बेलीपार थाना क्षेत्र के कसिहार चौराहे पर स्थित एक मकान के अंदर गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सुबह टहलने निकले राहगीरों ने इसकी सूचना मालिक को दी। स्थानीय लोगों की मदद से करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई रही है। इस संबंध में गोरखपुनी संवाददाता से बात करते हुए सुनील कुमार चौरसिया ने कहा, ये घटना करीब जानते हैं 12-1 बजे के लमसम के बाद की हुई है, और उसके बाद हमको सुबह 4 बजे पता चला है। 4 बजे हम बाहर निकले, चाची हमको बुलाई हैं, हम देखे हैं शटर में आग लगा हुआ है, पूरा हीट थी। इसी तरह से खोला गया, खुल नहीं रहा था, खोला गया है बाल्टी के पानी डाल करके, फिर मोटर का पानी चालू करके लोगों की मदद के द्वारा इस पे काबू पाया गया है। किस तरह से आग लगी है, किस तरह चलता है? ये बिजली के द्वारा मालूम हो रहा है, शॉर्ट सर्किट से आग लगा हुआ, क्योंकि इसमें बोर्ड था, कनेक्शन भी था, बोर्ड सब जल गया, कुछ है नहीं बचा। किस तरह का गोदाम था और कितने कम में आपका नुकसान हुआ? इसमें हम अपना जैसे FMCG का काम करते थे, मैगी नूडल्स और नमकीन चिप्स कुरकुरे यही सब इसमें रखे थे। लगभग कितने का नुकसान हुआ? ये अनुमानित लगभग 12-15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? ये हम यहाँ पे करीब 20 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे। आपका जी? मेरा सुनील कुमार चौरसिया है।